welcome children in this video you will be learning few programs based on csv files how to read and write data on a csv file first question is write a program to create a csv file named emp.csv containing records of few employees having details like emp id e name gender salary till user wants तो आपको एक सी फाइल बनानी है ई एम नेम से जिसमें इम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं कंटेनिंग डिटेल्स लाइक आई डी नेम जेंडर एंड सैलरी एंड यू हैव टू कीप ऑन इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स टिल यूजर वॉन्ट्स सो फॉर दिस सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इम्पोर्टिंग सी एस मॉड्यूल देन आई हैव ओपनड द सी एस वी फाइल while opening i have specified new line argument is equal to null string so the problem of ul translation is not going to come in my program okay? uh, after that i have created the writer object because i want to write on the file writer object create and then here i am writing the rows of headings हेडिंग्स वाली रो सबसे पहली रो होती है आपकी फाइल में ये आपको मालूम है सो फॉर दैट आई हैव मेड यूज ऑफ राइट रो फंक्शन एंड आई हैव इन्वोवड दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट सो राइटर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस दिस लिस्ट ऑन द फाइल ई एम पी डॉट सी एस वी नफ्टर दिस आई एम टेकिंग सी एच एज वाई एंड टिल द वैल्यू ऑफ सी एच रिमेन्स वाई आई एम टेकिंग इनपुट ऑफ अ रिकॉर्ड फ्रॉम यूजर कीपिंग देम इन अ लिस्ट एंड देन राइटिंग देम ऑन द सी एस वी फाइल ठीक है देखिए मैंने आई डी नेम जेंडर सैलरी चारों का इनपुट लिया फिर उसको एक लिस्ट के अंदर रखा और उस लिस्ट को मैंने राइट रो फंक्शन में दे दिया आपको राइट रो फशन में मालूम है क्या दिया जाता है इट इज़ गिवन अ सीक्वेंस ओके एंड वट एवर सीक्वेंस यू गिव दैट सीक्वेंस इज गिवेन टू द राइटर ऑब्जेक्ट राइटर ऑब्जेक्ट कन्वर्ट्स इट इन टू द सी एस वी राइटेबल डी लिमिटेड फॉर्मैट एंड देन इट Writes it on the file. Okay. After writing one row, I am again asking the user if you want to continue, press Y. So, if he presses Y, you are going to go back and you will find the condition true again. So, again, new record will be taken input and it will be written on the CSV file. Okay. But as soon as you give some other input other than Y, the condition of while loop will become false and you will come here. So fh.close dot close will send all the or dump all the data waiting in the buffer onto the CSV file and your file will be successfully created. Okay. So now let us see the output screen of this program. See, it has asked me for the first record. I gave the record and then it said press Y to continue. I pressed Y. Okay. Then it again asked me for the next record.

ऑल द डाटा एफ एस डॉट क्लोज विल राइट ऑल द डेटा वेटिंग इन दफर ऑन द सी एस वी फाइल ठीक है अब आपका यहां पर सी एस वी फाइल क्रिएट हो चुकी है सो इफ यू विल गो एंड क्लिक ऑन द डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द सी एस वी फाइल यू नो दैट ऑल द प्रोग्राम्स गेट सेव सेव डाटा लोकेशन ओके यू जस्ट विजिट दैट लोकेशन एंड डबल क्लिक ऑन दिस फाइल ऑन द आइकन ऑफ दिस फाइल इट विल ओपन लाइक दिस ठीक है अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि मैंने न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट के साथ उसको बनाया था तो मेरे किसी भी रो के बाद एम टी रोज नहीं है सिर्फ वही रोज़ हैं जो मैंने उससे बोला इंसर्ट करने के लिए ठीक है अब अब आपकी सी एस फाइल बन चुकी है नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम इज टू रीड द कंटेंट्स ऑफ द सी एस फाइल अब देखिए आपने इस फाइल को न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट के साथ बनाया था इसलिए हम उसको नॉर्मल रीड करेंगे हमें यहाँ पे कोई भी न्यू लाइन इज इक्वल टू डी देने की ज़रूरत नहीं है मीन्स न्यू लाइन इज इक्वल टू ईएल कैरेक्टर देने की ज़रूरत नहीं है ठीक तो हमने यहाँ पे नॉर्मली फाइल को रीड read, रीडिंग uh, के लिए ओपन किया मैंने यहाँ पे एफ एस दिया और डी लिमिटर यहाँ कामा दे दिया अगर आप डी लिमिटर नहीं भी देंगे तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा होती है तो ये आपका रीडर ऑब्जेक्ट बना जिसने सारा डेटा यानी कि फाइव रोज़ हैं वहाँ पे फाइव के फाइव रोज आपके आरडी में आके स्टोर हो गई अब आप इसको क्या कर रहे हैं लूप से आप इसको इटरेट कर रहे हैं और एक एक रो को प्रिंट कर रहे हैं ठीक है तो सारा डेटा आपका वन बाय वन प्रिंट होता चला जाएगा क्लियर सो अस सी द आउटपुट स्क्रीन सी ऑल द डिटेल्स आर देयर ओके ना इफ आई रीड द सेम फाइल विद अ डिफरेंट डिलीमिटर मतलब आपने फाइल को बनाया तो कॉमा डिलिमिटर से था लेकिन अगर आप इसको किसी और डिलिमिटर से आ, रीड करते हैं तब क्या होता है देखिए मैंने यहाँ पे डीलिमिटर क्या दे रखा है हैश डी हैश दे रखा है जबकि मेरा डी जब फाइल क्रिएट हुई थी तब वो कॉमा था ठीक है तो अगर हम कॉमा से बनी हुई फाइल को हैश से रीड करने की कोशिश करेंगे तो यह आपको एरर नहीं देगा लेकिन होगा क्या कि यह कॉमा को भी कंटेंट मान लेगा और उससे होगा ये कि आपका एक रो का पूरा कंटेंट एक सिंगल वैल्यू मानी जाएगी ठीक है आपने प्रोग्राम देखा प्रोग्राम वैसे ही है बस एक एक ही डिफरेंस है यहाँ पे कि डिलिमिटर इसको टू हैश दे रखा है अब उसके अब वो सेपरेटर उसका हैश है तो रीडिंग के लिए हैश ढूंढेगा जब तक उसको रीड हैश मिलेगा नहीं तब तक की वैल्यू को वो ए की वैल्यू मानेगा और इसको हैश मिलना तो है नहीं तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आउटपुट आउटपुट वैसा ही है लेकिन ये देखो यहाँ पे ये 101 ज़ीरो वन नितिन एम एंड फोर्टी थाउजेंड ये पूरी एक वैल्यू है देखिए इसमें कोट्स लगे हैं सिंगल कोट मतलब ये कोट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है बीच में कोट्स नहीं है लेकिन पहले देखिए जब मैंने इसको कॉमा से रीड किया था तब तो देखिए वन अलग वैल्यू थी नितिन अलग वैल्यू थी एम अलग वैल्यू थी फोर्टी अलग वैल्यू थी ठीक है तो अगर आप किसी डिलीमिटर से बनी हुई फाइल को दूसरे डिलीमिटर से रीड करेंगे तो आपकी वैल्यू को वो उस डिलीमिटर के हिसाब से रीड करेगा ठीक है तो अगर उसको कहीं हैश मिल जाता तो वो वहाँ तक की वैल्यू को एक वैल्यू मान के फिर आगे की वैल्यू को दूसरी वैल्यू मानता लेकिन यहाँ पे हमें हैश मिला ही नहीं तो इसलिए इसने पूरी रोक के कंटेंट को एक सिंगल वैल्यू मान लिया है ठीक है सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विच हैपन्स इफ़ यू रीड द फाइल क्रिएटेड विद वन ई एल विद द हेल्प ऑफ वन डिलीमिटर बाई सम अदर डिलीमिटर ओके ना नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ राइट अ प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट्स ऑफ सी एस वी फाइल ई एम पी डॉट सी एस वी अब आपको सी एस इस फाइल को रीड करना है और सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है जिसमें सैलरी ग्रेटर दैन फिफ्टी थाउजेंड है तो आपको मालूम है कि हमारी जो फाइल होती है उसमें पहली रो तो हेडिंग की है तो हेडिंग वाली रो के लिए आप सैलरी चेक नहीं करेंगे पहली रो को रीड करके एज इज प्रिंट करवा दो दूसरी रो से सैलरी चेक करो और अगर सैलरी फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा निकलेगी तो हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे कंडीशनल डिस्प्ले है फाइल को सबसे पहले इम्पोर्ट किया सी एस वी फिर मैंने फ़ाइल को रीड किया नॉर्मली क्योंकि मेरी ये जो ई एम पी डॉट सी एस वी बनी है वो किससे बनी है न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट के साथ बनी है इसलिए मुझे रीडिंग में कोई ध्यान नहीं देना मुझे नॉर्मल रीड करना है क्योंकि ई ओएल ट्रांसलेशन वहाँ हुआ ही नहीं ठीक अब मैंने रीडर ऑब्जेक्ट बनाया इससे मैंने क्या किया पहली रो को मतलब हेडिंग्स वाली रो को वाई में स्टोर कर लिया नेक्स्ट का आपको मैंने रोल बता दिया है नेक्स्ट क्या करता है किसी भी आइटरेटर को हम नेक्स्ट में देते हैं और ये उसकी एक एक रो को एक बार में एक्सेस करता है ठीक है तो सबसे पहली रो वाई में आ गई हमने उसको एज इट इज़ प्रिंट करा दिया हेडिंग से सात आउटपुट दे रहे हैं ठीक फिर अब जब आर डी आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे तो ये सेकेंड रो ऑनवर्ड्स काम कर रही है हेडिंग वाली रो क्योंकि आपकी रीड हो चुकी है ठीक है तो अब जो आपके फाइल की सेकेंड रो है वो एक्स को मिलेगी अब उस एक्स में हम थ्री इंडेक्स को यानी कि हमारी सैलरी थर्ड इंडेक्स पे है ना जीरो वन टू थ्री इंडेक्स नंबर थ्री पे है तो उसको हमने चेक किया इफ इट इज़ ग्रेटर दैन फिफ्टी थाउजेंड तो मैंने प्रिंट एक्स किया वरना हमने प्रिंट प्रिंटैक्स नहीं किया तो सिर्फ वही लाइंस डिस्प्ले होंगी जो कि जिसमें सैलरी फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है लेट अस सी द आउटपुट स्क्रीन यू कैन सी हेयर दैट आउट ऑफ द कंटेंट दैट वाज क्रिएटेड ओनली दो सैलरीज आर लेफ्ट विच आर ग्रेटर देन फिफ्टी थाउजेंड और ये वाली रो तो आपको मालूम है किसकी वजह से आई है, हेड रो हमने जो बनाई थी नेक्स्ट से हमने वाई में रिसीव किया था और प्रिंट वाई किया था तो ये वही रो है और ये दोनों कंटेंट वाली रो हैं जिसमें सैलरी को चेक किया गया था ठीक है सो दिस वे यू आर गोइंग टू डिस्प्ले द कंडीशन डेटा और द कंटेंट्स ऑफ अ सी एस वी फाइल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू मेक अ सी एस वी फाइल डॉक्टर डॉट सी एस वी जिसमें एन रिकॉर्ड्स होंगे डॉक्टर के हर डिटेल में डॉक आई डी डी नेम डिपार्टमेंट एंड फी है ठीक है एन रिकॉर्ड्स यानी एन हैज़ टू बी टेकन इनपुट फ्रॉम यूज़र ठीक तो यूज़र बताएगा कितने रिकॉर्ड्स इनपुट करने हैं और फिर उतने रिकॉर्ड्स इनपुट किए जाएंगे सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव क्रिएटेड द सी एस वी मॉड्यूल इम्पोर्टेड द सी एस वी मॉड्यूल फिर मैंने फाइल को राइटिंग के लिए ओपन किया है लेकिन न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं डाला है अब मुझे ये आपको शो करना है कि न्यू लाइन आप नहीं डालते हो न्यू लाइन इज इक्वल टू नल स्ट्रिंग नहीं लिखते हो तो क्या होता है ठीक है अब होगा क्या हर रो के बाद एक एम रो इंसर्ट अपने आप हो जाएगी हमने राइटर ऑब्जेक्ट बनाया हमने हेडिंग्स की रो बनाई हेडिंग्स की रो को लिखवा दिया वहाँ पे ठीक है हेडिंग एक्चुअली मैंने क्या कर रखा है मैंने एक लिस्ट यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया ध्यान से देखिए मैंने एक लिस्ट ले रखी है एल वेरिएबल ले रखा है और उसमें मैंने पहली रो अपने आप डाल दिए क्योंकि पहली रो का डेटा तो यूज़र देगा नहीं ये देखिए लिस्ट विद इन लिस्ट है ठीक है तो जो इनर लिस्ट है ये हमारी उस फाइल की पहली रो है ठीक है और मैं एक यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट बना रही हूँ क्योंकि दिस टाइम आई एम गोइंग टू तो राइट द डेटा नॉट विद द हेल्प ऑफ राइट रो फंक्शन बट विद द हेल्प ऑफ राइट रोज फंक्शन ठीक है तो राइट रोज़ में तो हम नेस्टेड सीक्वेंस देते हैं दैट इज़ वाई एम क्रिएटिंग अ नेस्टेड लिस्ट मैंने यूज़र से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का इनपुट मांगा यूजर ने जो भी वैल्यू दी उतने बार ये लूप रन होगा आपका रिकॉर्ड लिया जाएगा इनपुट और लिस्ट में रख के आउटर लिस्ट में अपेंड कर दिया जाएगा देखो क्या कर रहे हैं रैक में रेक को एल में अपेंड कर दिया तो पहली रो तो ऑलरेडी थी दूसरी रो ये बनेगी जो आपने अभी इनपुट लिया फिर नेक्स्ट टाइम यू विल रीड तो तीसरी रो आ जाएगी फिर चौथी रो आ जाएगी इस तरीके से ये एन टाइम्स ये लूप रन करेगा और आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी ठीक है अब आप राइट right रोज का अलाइनमेंट देखिए यहाँ पे जब हम राइट right रो कर रहे थे तो जैसे ही हमें रो मिल रही थी हम तुरंत उसको राइट right कर दे रहे थे लेकिन यहाँ पे तो हमें सारी रोज एक साथ मिलेंगी फिर सारी रोज़ एक साथ लिखी जाएंगी इसके लिए ये जो लाइन है आपकी राइट right रोज़ वाली दैट इज़ सेपरेट लाइन फिर उसके बाद हमने लाइन फाइल uh, को क्लोज कर दिया सी द आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले चार रिकॉर्ड्स इनपुट किए हैं ओके फोर आई सेट दैट फोर रिकॉर्ड्स हैव टू बी इनपुट तो मैंने चार रिकॉर्ड्स इनपुट किए और ये चारों रिकॉर्ड्स फाइल पे जाके लिख गए होंगे तो हमारी फ़ाइल देखिए कैसी बनी यहाँ देखिए नल एम टी लिस्ट है यहाँ पे क्योंकि मैंने न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं लगाया था ना ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ई ओ एल कैरेक्टर मीन्स रोल ऑफ न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट भी मैंने आपको ये चीज़ बताई है यहाँ पे सब में एम्प्टी टी रोज आ रही हैं क्योंकि आपने न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं लगाया था लेकिन अब क्योंकि आप फाइल क्रिएट कर चुके हैं अब अगर आप इसको नॉर्मली रीड करना चाहते हैं आप नहीं चाहते कि इसकी ये जो बैक स्लैश एन की वजह से रोज आई हैं एक्स्ट्रा वो ना रहे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको न्यू लाइन आपको जब आप रीडिंग कर रहे होंगे इस फाइल की रीडिंग करते समय आपको न्यू लाइन इज इक्वल टू बैक स्लैश आर बैक स्लैश एन देना पड़ेगा सो सी रीड द कंटेंट्स एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द सी एस बी फाइल एम पी डॉट सी एस वी तो अब मुझे इसके कंटेंट्स डिस्प्ले करने हैं अगर मैंने विद अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट किया सी एस वी को फिर मैंने रीडिंग मोड में ओपन किया और न्यू लाइन इज इकोल टू बैक स्लैश और बैक स्लैश एन नहीं लगाया नॉर्मली रीड कर लिया तो क्या होगा ब्लैंक रोज़ इंसर्ट हो जाएंगी तो देखिए यहाँ आउटपुट देखिए यहाँ मैंने क्या क्या रीडर ऑब्जेक्ट बनाया फिर एक एक रो को रीड करके प्रिंट कराया तो देखिए आपके में एम टी रोज़ हैं ये एम टी रोज़ इसलिए ही हैं क्योंकि आपने फाइल बनाई थी तब भी तब ई ओ एल ट्रांसलेशन कराया लेकिन जब फाइल रीड कर रहे हैं तो आपने ई ओ एल ट्रांसलेशन के बारे में उसे बताया नहीं तो उसने हर रो को अलग अलग रीड किया इस तरह इसलिए इसका ये आउटपुट आया ठीक है फाइल को आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एम टी रोज इंसर्टेड है ठीक लेकिन अगर आपको इस चीज़ को रोकना है तो आप फाइल को रीड करते समय न्यू लाइन इज इक्वल टू स्लैश आर स्लैश एन लगाइए ताकि उसको पता चले कि मुझे एक रिकॉर्ड जो मैं रीड करने जा रहा हूँ वो पूरा रिकॉर्ड कहाँ ख़त्म होता है बैक स्लैश एन पे ख़त्म होता है तो एक बार में वो पूरी एक रो लेके आएगा नेक्स्ट बार में नेक्स्ट रो लेके आएगा ठीक है तो दिस टाइम इफ यू विल सी द आउटपुट ऑफ दिस कोड सी यू आर गेटिंग द नॉर्मल आउटपुट ऑल दो दिस फाइल वॉज क्रिएटेड विदाउट न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट के बिना बनी थी तब भी आपका डेटा वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है जैसा आप चाहते हैं क्योंकि आपने रीडिंग भी न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट के साथ की ठीक है सो दीज आर द टू वेज इन विच यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन Children, in this video, I will be keeping the programs only till here. In the next video, I will be taking up some tricky questions based on these two files only that is emp.csv and doctor.csv. Thank you so much.